सैमसंग का फोन कौन लेता है आजकल, शाओमी का फोन ठीक है, लेकिन अब वो बात कहाँ, माइक्रोमैक्स का फोन अच्छा तो है लेकिन नहीं, मोटो का फोन अवॉइड कर सकते हैं। वेल दोस्तों, हमें चाहिए एक असली फोन और असली फोन अब प्रकट होने वाला है। अब तक तो आ जाना चाहिए था। ये क्या है? हे भगवान, मैंने जो भी पाप किए हैं उसका फल मुझे अभी दे दो। वीवो, सही है। वेल दोस्तों, आपकी फेवरेट कंपनी वीवो ने फाइनली इंडिया मार्केट के अंदर एक ऐसा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है जिसका इंतजार आप 3 साल से कर रहे हो। आपके आंखों का तारा, आपका राज दुलारा, यस दोस्तों, Vivo Y21 स्मार्टफोन फाइनली इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुका है। 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 15,500 रुपए में। यस दोस्तों, 15,500 रुपए के अंदर आपको 4GB रैम के साथ में 1GB का एक्सटेंडेड रैम भी देखने को मिल जाता है। वेल दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि Vivo का एक नया ही फंडा है, फुल HD दे देना तो इसके लिए पाप है। हाई रिफ्रेश रेट देने के बारे में तो ये बंदा सोच भी नहीं सकता, और अगर गलती से फास्ट प्रोसेसर डाल दिया तो गर्लफ्रेंड बुरा मान जाएगी, और इसीलिए बहुत ही सोच समझ के आपके लिए ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। वेल दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे Vivo Y21 स्मार्टफोन की, 15,500 रुपए के अंदर ये आपका खून कैसे चूसने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि 15,500 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर दूसरे ब्रांड्स हमें और क्या चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर क्या दूसरे स्मार्टफोन्स वाकई में मोर वैल्यू फॉर मनी है, फटाफट से चेकआउट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से दिल से नम्र विनती है, टेक देखो जी को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं Vivo Y21 की डिजाइन की। सबसे बढ़िया लुक अगर कोई बना के देता है तो वो Vivo है, और ये फैक्ट भी है। इस स्मार्टफोन की डिजाइन इस तरीके से बनाई है कि पहली आंखों में ही भा जाता है। डायमंड कट के डिजाइन के साथ में एक दूसरी डिजाइन भी आपको देखने को मिल जाती है। दोनों की दोनों जो डिजाइन है काफी कूल है, काफी अट्रैक्टिव लगती है और काफी यूनिक भी लगती है। इनफैक्ट जो कैमरा मॉड्यूल की डिजाइन है उसको भी थोड़ा सा एनहेंस किया है, कॉम्पिटिशन से थोड़ा सा हटके लगती है डिजाइन। फ्रंट साइड में आते हैं तो कहीं ना कहीं ओपोजिट हो जाता है, वहां पे आपको पंच होल डिस्प्ले नहीं मिलता 15,500 रुपए के अंदर, वहां पे आपको एक नॉच डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। तो जितना कूल लुक आपको बैक साइड से देखने को मिलता है उतना ही बेकार लुक आपको फ्रंट साइड से देखने को मिलता है, स्पेशली 15,500 रुपए की कैटेगरी के अंदर। वेल दोस्तों, डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले ही देखने को मिल जाता है 15,500 रुपए के अंदर। कंपटीशन आपको फुल HD आराम से दे देते हैं, या फिर हाई रिफ्रेश रेट प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर सुपर एमोलेड प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे IPS LCD प्रोवाइड किया है 60Hz के डिस्प्ले के साथ में, और साथ में आपको सिर्फ HD रेजोल्यूशन ही देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोसेसर डिपार्टमेंट की, तो आप लोग सदमे में आ जाओगे दोस्तों, क्योंकि भिड़े भाई याद है, उनका जमाना याद है। इस स्मार्टफोन के अंदर करीबन उसी जमाने का प्रोसेसर यूज किया है। माइक्रोमैक्स इन 1B के अंदर आपको कौन सा प्रोसेसर देखो मिलता है, मीडियाटेक का G35। इस Vivo Y21 स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है P35। कमाल का प्रोसेसर है, कमाल का। इतनी भी क्या कंजूसी, इतना भी क्या शॉर्टेज हो गए दूसरे प्रोसेसर को लेके कि यहाँ पे आपको मीडियाटेक का P35 प्रोसेसर यूज करना पड़ा, और वो भी 15,500 रुपए की प्राइस कैटेगरी के अंदर। ताजुब की बात तो ये है कि 4GB का रैम दिया है, 1GB का एक्सटेंडेड रैम दिया है, ये प्रोसेसर क्या करेगा इतने सारे रैम से, यानी हद हो गई है। इनफैक्ट कैमरा डिपार्टमेंट के बारे में अगर आप लोग सुनोगे तो आपकी दिमाग की दही हो जाएगी। 15,500 रुपए के अंदर आपको क्वाड कैमरा देखने को नहीं मिलता, ट्रिपल कैमरा देखने को नहीं मिलता, आपको मिलता है ड्यूल कैमरा का सेटअप 15,500 रुपए के अंदर। हाई रेजोल्यूशन 48 का क्या अचार डालोगे, 64 लेके क्या उखाड़ लोगे। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है बहुत ही बढ़िया कमाल का धमाकेदार कैमरा, 13 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा देखो मिल जाता है। कॉम्पिटिटर्स आपको माइट भी प्रोवाइड कर दे f1.8 अपर्चर की ओपनिंग, f1.9 अपर्चर की ओपनिंग, या फिर f2.0 अपर्चर की ओपनिंग, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है और भी छोटा खड्डा, f2.2 अपर्चर की ओपनिंग। साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर, वाह, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, टाटा बाय बाय।
इसके अलावा सेल्फी की बात करें तो यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखो मिल जाता है, f2.0 अपर्चर की ओपनिंग देखो मिल जाती है, बढ़िया चीजें स्टार्ट हो गई है दोस्तों, 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखो मिल जाती है, दैट इज गुड थिंग। और कंजूसी कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए यहाँ पे कम से कम 18 W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करती है। साथ में यहाँ पे आपको कुछ चीजें और एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है, जैसे कि साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, ड्यूल सिम कार्ड प्लस अलग से डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ड्यूल वाईफाई बैंड देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाता है। लेकिन 15,500 रुपए की प्राइस रेंज के अंदर आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसलेशन मिक नहीं देखने को मिलता। वेल दोस्तों, अब कर लेते हैं मुद्दे की बात। 15,500 रुपए अगर हमारे हाथ में है और अगर हम लोग कोई स्मार्टफोन ढूंढने जा रहे हैं तो हमें आराम से मिल सकता है मीडियाटेक का G95, मीडियाटेक का डायमंडसिटी 700 प्रोसेसर, एक 5G स्मार्टफोन आराम से मिल सकता है 15,500 रुपए के अंदर, एक क्वाड कैमरा सेटअप वाला स्मार्टफोन आराम से मिल सकता है जहां पे हमें 64 मेगापिक्सल या फिर 48 मेगापिक्सल का अच्छा खासा सेंसर देखने को मिल जाता है, जहां पे हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आराम से देखने को मिल जाता है, जहां पे हमें थोड़ी सी बेटर फास्ट चार्जिंग आराम से देखने को मिल जाती है। यस दोस्तों, बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं और आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हो, रियलमी 8 हो गया, रियलमी 8 5G हो गया, नार्जो 30 हो गया, मोटो G40 फ्यूजन हो गया, पोको M3 प्रो हो गया, शाओमी के भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स देखो मिल जाते हैं, इनफैक्ट सैमसंग के भी स्मार्टफोन्स काफी ज्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी है इस स्मार्टफोन के कंपैरिजन में। सो क्वेश्चन ऑफ द डे, प्लीज हमें नीचे कमेंट में बताइए कि आपकी फेवरेट कंपनी ने वीवो Y21 स्मार्टफोन लॉन्च किया 15,500 रुपए में, आपको कैसा लग रहा है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएगा। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो टेक द व्यू चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वीडियो जाके चेकआउट कर लीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, दिस इज विवेक साइनिंग ऑफ।